सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सरकार अगले 5 साल में 1 लाख नौकरी के अवसर युवाओं को प्रदान करेगी, ये कहना है भाजपा प्रदेश महामंत्री एडवोकेट वेदपाल सिंह का, जो कि बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए वोटों की अपील करने पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार ने बिना खर्ची और पर्ची के मेरिट के हिसाब से नौकरियां दी हैं। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आबकारी राजस्व को भी बढ़ाने में जोर देगी। अगले साल तक इस राजस्व को 7,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। किसानों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों को बरगलाने में लगी हुई है। महामंत्री ने माना कि अनाज मंडियों में अव्यवस्थाएं हैं, जिसको जल्द ही दुरुस्त करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जा रही है। कानून व्यवस्था पर कहा कि सरकार किसी भी तरह के अपराध को हरियाणा में पनपने नहीं देगी। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में बड़ौदा के पिछड़ेपन को भाजपा सरकार ही दूर करेगी। बड़ौदा में विकास का पहिया रुकने नहीं दिया जाएगा। सोनीपत 24 के लिए संजीव कौशिक की रिपोर्ट। पिछले एक वर्ष में जो एक वर्ष पूर्ण हुआ है, इसमें जो सिलसिला मेरिट पे नौकरियां देने का था वो जारी रहा है। विकास के खूब काम हुए, नई नई योजनाओं का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, और रजिस्ट्रियों में एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करके वो एक तरह से भ्रष्टाचार से राहत मुक्त किया है। तो इस प्रकार तमाम जो सुधार के कार्य हैं वो गति जारी है। और अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही है कि पिछले अब तक 84,000 नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिली हैं और 1 लाख नौकरियां अगले 4 साल में देने का लक्ष्य है। तो इसलिए ये लगातार रोजगार देने की बात हो, चाहे वो विकास योजनाओं की बात हो, वो लगातार जारी है और हर रोज़ नई नई योजनाएं, नए नए डेवलपमेंट के कार्य, नए नए, जैसे यहाँ पर IMT की घोषणा की है, 2 महिला कॉलेज की घोषणा की है, बड़ौदा का अगर जिक्र करें तो, और यहाँ पर एक राइस मिल लगाने की घोषणा की है, एक विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है, इसी प्रकार मेडिकल कॉलेज जो व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। अभी कल फरीदाबाद में लड़की गोली मारी गई है, पानीपत में एक औरत पे एसिड फेंक दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, जो 2 प्रकार के अपराध है, एक है प्रोफेशनल जो अपराधी होते हैं, दूसरे प्रकार के अपराध होते हैं जो इत्तेफाकी होते हैं। तो जो प्रोफेशनल अपराधी हैं उन पर नकेल कसने के लिए STF का गठन कर दिया गया है, दूसरे अपराधों पर भी नकेल कसने के लिए। और मुझे लगता है STF अब आहिस्ता आहिस्ता काम में बहुत गति आएगी और इस प्रकार का जो विशेषकर जो प्रोफेशनल अपराधी हैं उन पर लगाम लगेगी, क्योंकि प्रोफेशनल अपराधी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और ऐसा एनवायरनमेंट हरियाणा में आहिस्ता आहिस्ता खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इत्तेफाकन घटनाएं होती हैं वो भी ना हो, क्योंकि जब हैप्पी इंडेक्स बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोग खुश रहेंगे, उनके चेहरे पर खुशी आएगी, तो वो इत्तेफाकन जो घटनाएं हैं वो भी कम होगी। और CM विंडो हर छोटी शिकायत के लिए समाधान का एक बहुत अच्छा जरिया है और खूब उसमें समाधान हो भी रहे हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ों पर नियंत्रण किया जा रहा है, लेकिन ये बात ठीक है कि घटनाएँ हो रही हैं, उनको आप भविष्य में काबू पाए। किसान कृषि में आप नाकाम रहे हैं, आज भी किसान रोड पर हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है अब तो केवल कांग्रेस के कुछ जो लोग हैं वो विरोध में हैं, या जिन्होंने विरोध करना है वो विरोध में है। आप मुझे एक बात बताइए, महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर के आज तक आप किसी को उठा करके देख लीजिए, जिसने भी किसान यूनियन में नाम काम किया और जो भी किसान नेता है उसने एक ही बात कही थी कि वो दिन कब आएगा जब किसान अपनी मर्जी से फसल बेच सकेगा और अपनी मर्जी से भाव लगा सकेगा। और अगर वो कर दिया तो बताओ मुझे कौन कहता है ये गलत किया क्या? तो गलत किया क्या इसने? यही तो किया है। मंडियों की अव्यवस्था, हाँ अव्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई दुराय नहीं, उन व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम लगातार जारी है और जो व्यवस्थाएं कमी है उनको भी ठीक किया जाएगा। अव्यवस्थाएं हैं, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन उन व्यवस्थाओं को आगे से पूरी तरह से ठीक हो इस पर काम जारी है। अफसरशाही इस पर मनोहर सरकार में है भी है, विधायक भी वो भी कह रहे हैं कि मैं धरने पर बैठूंगा, कार्यकर्ताओं की कोई सुनने वाला नहीं है, अफसरशाही अपने हिसाब से सरकार चला रहे हैं, क्यों हावी होगी अफसरशाही? आप देख रहे हो अफसरशाही, कार्यकर्ताओं की मतलब सुनाई हुई, कोई अफसरशाही हावी नहीं है। और विद साहब ने एक बात कही थी कि अभी अगर कोई अफसरशाही हावी होगी तो उसको ठीक करेंगे, केवल 7 दिन बचे हैं, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ौदा उपचुनाव के बारे में बचे हैं, क्या कहेंगे? चुनाव बहुत अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अब चल रहे हैं और अब की बार बड़ौदा में मुझे जो लगता है कि ये कांग्रेस के लिए तो चैलेंज है, क्योंकि सीट उनकी थी, हमारे लिए अवसर है और ये बड़ौदा वासियों के लिए भी अवसर है कि इतने ज़्यादा जो विकास के काम अभी शुरू हुए हैं
वो सब परिपूर्ण हो जाए और सरकार में वो हिस्सेदारी कर लें, खजाने में हिस्सेदारी कर लें, ताकि बड़ौदा का पूर्ण विकास हो सके और उसी के पक्ष में यानी विकास और योगेश्वर दत्त का व्यक्तित्व। इतना बड़ा उसने जो मेडल जीता था और पूरी खुशी हुई थी, एक व्यक्तित्व, ईमानदार व्यक्तित्व है, उसको लोग पसंद करें। कोई नया उद्योग हरियाणा में नहीं स्थापित कर पाए आप, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, 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 तो हर जगह जैसे पानीपत के अंदर घोषणा हुई है वहाँ होजरी की और करनाल में हुई है दवाइयों के फैक्ट्रियों की, यहाँ पर आईएमटी की हुई है, सब पे काम चालू है सर। घोषणा ही घोषणा हुई है, काम बिल्कुल शुरू है, सारे काम अगले 4 साल में आपको उठते हुए चलते हुए नजर आए। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल में घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, रजिस्ट्री घोटाला, कल एक बागवानी घोटाला सामने आया सोनीपत में, घोटाले में घोटाले आ रहे हैं। तो जहाँ तक बात है रजिस्ट्री की, अगर सुधार को कोई घोटाला कहता है तो मेरी तो समझ से परे। अब जैसे आप पहले आरसी बनवाते थे, आप कागज तैयार करते थे, फिर एसडीएम कोर्ट में रजिस्ट्रार के यहाँ लेके जाते थे, फिर उसके बाद वो दे के आते थे, अब वो सीएम विंडो बना दी, अब सीएम विंडो बना के सीधी जमा होगी और उसके बाद आपके घर वो बाय पोस्ट आ गई, ऐसे लाइसेंस बन गए। तो अगर आप सुधार को घोटालेबाजी कहोगे तो मैं उसको ठीक नहीं समझता, वो सुधार है। एमएसपी पर सरकार इतना क्यों घबरा रही है? एमएसपी को जब कांग्रेस भी कह रही है कि आप बार भी लागू करो इसको, एमएसपी को ना तो क्यों नहीं कर छेड़ा जो पहले था एजीटी से, ना एमएसपी को छेड़, कोई माई का लाल छेड़ नहीं सकता। एमएसपी यूं ही रहेगा और बड़बड़ गावेगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कोई एमएसपी को छेड़े।